everyone, I'm Jugashree Joy Sharma from the beautiful state of Assam, India. Hi everyone, so अभी मैं कोची के सिड्रा प्रिस्टाइन होटल में हूँ. तो कल हमने अथरापल्ली वाटरफॉल्स और कोची के कुछ लोकल साइट्स कवर कर लिया. तो आज हम जा रहे हैं मन्नार. आज मन्नार में स्टे करेंगे और कल फिर मन्नार का लोकल साइट्स देखेंगे और कल भी मन्नार में से ही स्टे करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे थेकड़ी. तो हमारे साथ बने रहिए. तो आज हम सिड्रा प्रिस्टाइन होटल से चेकआउट कर रहे हैं. सो इट वॉज अ गुड स्टे हियर. तो मेरा एक वीडियो है अपने चैनल पे इस होटल रूम का डिटेल्स और होटल का भी डिटेल्स, तो आप लोग जरूर देखिएगा. मेरे केरला सीरीज के दूसरे वीडियोस अब तक आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं. केरला में हमारे 10 दिन के ट्रिप के लिए हमने जो कैब बुक किया था उसका डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. रस्ते में हम लोगों ने क्ले ओवन होटल में ब्रेकफास्ट कर लिया. देयर इज एनफ पार्किंग स्पेस हियर. यहाँ पे हमने डोसा खाया और हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा था. हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे जर्नी और भी मजेदार बनने वाली है. तो हाउ इज द डोसा? सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एट क्ले ओवन. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू मन्नार. ये है पेरियार नदी. बहुत दिनों से मैं मन्नार आने की सोच रही थी तो जब फाइनली मन्नार जा रही हूँ तो एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल का था. फाइनली हमने इडुकी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री किया. सो मन्नार इडुकी डिस्ट्रिक्ट में है. अभी एक वाटरफॉल आने वाला है. Here's a waterfall, Chiyappara waterfall on the road to Mannar. So let me show you. हमने सितंबर के महीने में केरला विजिट किया था. तब हल्की बारिश हो रही थी. तो एज यू कैन सी यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मन्नार की रोड में ही पड़ता है. तो बैक साइड हिल व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है. सो ब्यूटीफुल व्यू, इट्स सो फॉगी. सो नाउ वी आर लिविंग दिस प्लेस, इट्स रेनिंग एंड वी आर ड्रेंच अगेन लाइक यस्टरडे. By the way, beautiful spot. Bhig gayi pura. Just look at the greenery around. मुन्नार तो सुंदर है ही, मुन्नार तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी बहुत बहुत ही सुंदर है. So that's the Valara waterfall. It's raining right now and we are drenched completely. फॉग के कारण पहले वाटरफॉल का व्यू इतना क्लियर नहीं हो पा रहा था. थोड़ा वेट करने से फॉग क्लियर हो गया और वाटरफॉल का सुंदर व्यू हमें देखने को मिला. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन हम लोग पहुंच गए. यहाँ के गार्डन में आप लोगों को बहुत सारे स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट्स देखने को मिलेगा. इस केरला इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, सो व्हेन इन केरला व्हाई नॉट विजिट अ स्पाइस गार्डन. सो हम हैं अभी पेरियार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन. इट्स ऑन द वे टू मन्नार. सो इट्स अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड आयुर्वेदिक गार्डन. तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे हमें एक गाइड गाइड करेगा. सी इज आवर गाइड. English, Hindi, both. Entry fee है 100 rupees per person. Garden के अंदर है ना, spices की plant है और herbal medicinal plant इतना रखा है. उसके बारे में explain करें. ठीक. पहला plate जो है जायफल का है. जायफल. जायफल. एक फल की तरह होता है. हाँ. दिखाएगा. देखिए ऊपर एक फल पड़ा है येलो कलर का. ठीक है. ओके. बारिश है, थोड़ा मुश्किल है.
इसी फल के अंदर जायफल भी है, जावित्री भी है, साथ रहता है। जो पकने के समय इसका स्किन नीचे वाला पोर्शन अपने अब खुलेगा, तब जो है पूरा फल निकालना। और जायफल जावित्री अलग अलग सुखाने दो, मसाले में काम होता है। और भी है जायफल, अच्छा दवा भी है, गैस एसिडिटी डाइजेशन के लिए अच्छा है, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी वो भी यूज होता है। देखिएगा फल एक कोको चॉकलेट इसी से बनता है। ये पकने के समय इसका आउटर स्किन येलो हो जाएगा, तब निकाल के हम इसका अंदर बहुत सारा छोटी बीन है, वो बीन दूध में सुखाएगा, बाद में रोस्ट करके पाउडर करेगा। मगर एक एक बीन के ऊपर एक व्हाइट कलर जेली जो पड़ा है, वही है कोको बटर। ये अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। कॉफी, ये पूरा कॉफी बीन है, कॉफी बीन्स। जो ये पकने है उसका स्किन की कलर रेड हो जाएगा, तब निकाल के हम धूप में सुखाएगा, बाद में ये रोस्ट करेगा, तब ये ब्राउन हो जाएगा, कॉफी ब्राउन, और वास होता है, फ्लेवर मिल जाएगा। पाउडर बना के यूज करना। अभी इसी एक ही बीन के अंदर दो बीन होता है, एक ही फल के अंदर दो बीन पड़ा कॉफी, ठीक है। ये प्लांट है कॉफी रोबस्टा, इंस्टेंट कॉफी के लिए ये यूज करता है। ये वाला एक मेडिसिनल प्लांट है, इसी का नाम जो है सीथा कोडिफोलिया, जो कोडिफोलिया आर्थराइटिस की दवा है। जोड़ों पे दर्द, सूजन, स्टिक वगैरह है, तो वो हट जाने के लिए दर्द मेडिसिन बनता है उसी का। ऑयल भी है, इंचे की मेडिसिन भी है। ये इसका ऑयल हम लोग जोड़ों पे लगाएंगे तो लुब्रिकेंट जैसे अंदर काम करे। हमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गार्डन दिखाया। इलायची का पौधा, ये इलायची जो है नीचे होता है, उधर देखिए, उधर जो पड़ा है इलायची का फूल भी है, सीड भी है, बीच में जाना फूल भी देख सकता है, मतलब एरियल रूट में होता है इलायची। एक रूट अंदर भी है, एरियल रूट साल में एक ही बार मिट्टी से बाहर आएगा, उसमें फूल आके इलायची होता है। पकने दो, हम निकाल के ड्रायर के अंदर सुखाना पड़ता है। अगर धूप में सुखाएंगे तो उसका कलर जाएगा, फ्लेवर जाएगा, इसलिए ड्रायर में सुखा के बाद में इसे। मगर अभी इसी के अंदर पानी की कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि पौधा कूलिंग एरिया में उगता है, इसको ठंडा मौसम चाहिए और पानी ज्यादा मिलना होना चाहिए, शेड ज्यादा होना चाहिए, इसी कारण से इलायची के अंदर 80% वाटर कंटेंट है। सुखाने दो, हमको क्वांटिटी नीचे होती है इसलिए मेन कारण। और ये है लौंग की पेड़, क्लोव इससे लंबा पेड़ है, एकदम ऊपरी होता है, मगर अभी इसका सीजन सिर्फ नहीं है, विंटर की टाइम है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक देख सकता है, ठीक है। इसे बंजों की तरह फूल मिल जाएगा, फूल पकने में थोड़ा सा कलर रेड हो जाएगा, तब निकाल के सन ड्राई है, समय ब्राउन कलर की रियल हमको फ्लो मिलेगा। उसी समय उसके अंदर तेल भी रहता, तेल काटेंगे तो काला होता, इसलिए मार्केट में हमको काला कलर की तेल काटना। अभी कितने एरिया में है ये? ऊपर बहुत है मैडम, बहुत बहुत रहता। और हमारा मेन फार्म जो तेकड़ी में रहता, तेकड़ी में हम दिखा रहे डेमो, डेमो के लिए भरपूर तुलसी, एक वैरायटी तुलसी है, मगर इसी तुलसी पत्ते से हमको मिलेगा कर्पूर की वास, कर्पूर तुलसी। देखिए दूसरे एक वैरायटी तुलसी, इसी तुलसी पत्ते से हमको मिलता है अजवाइन की वास, अगस्त्य तुलसी इसी को बोलता है। दो वैरायटी स्पेशली इसी से एक दवाई बनता है, माइग्रेन हटाने के लिए, स्मूथिंग के लिए, साइनस के लिए, सिर दर्द के लिए अच्छा रहता है। ये भी एक दवा है, किडनी स्टोन के लिए दवा है, किडनी स्टोन साफ करने के लिए मेडिसिन है, इसका नाम जो है कल तामरा किडनी स्टोन के लिए स्टोन। और यह है सर्पगंधा, रिवोल्टिया सर्पेंटिना, बीपी का मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए मेडिसिन है। और ये वासा नाम का प्लांट है, थायराइड के लिए दवा है, थायराइड एंड वासा। एंड और ये वाला कॉस्टस पिक्टस, डायबिटीज लोगों को दवाई बनाता है, ये पैनक्रियास एक्टिव करने वाला मेडिसिन है। ऊपर भी पत्ते निकाल के उसी में और भी इंफ्रिट डाल के मेडिसिन है, 3 महीना तक हम लोग कोर्स लेना पड़ेगा, शुगर कंट्रोल होने में हमको दवाई छोड़ के डाइट में मेंटेन कर। और ये जो है अल्पीनिया लंग क्लीनर है, श्वास की दिक्कत ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा। और शदावरी लेडीज के लिए दवा है, इधर गायनेकल प्रोटेक्शन, ओके ये है शदावरी,
एस्पैरेगस रेसिनोसस। नॉर्मली शदावरी का रूट निकाल के दवा बनता है, यूट्रस क्लीन करेगा, स्ट्रेंथन बनेगा, हॉर्मोन इम्बैलेंस स्टेबल बनेगा। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष इसी में धाना की जैसे मिलता है रुद्राक्ष। और ये अश्वगंधा इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेंथ स्टैमिना बनने के लिए अश्वगंधा। और यह पिपली, पिपली नहीं तो पाइपर लौंग, देखना एकदम स्पाइसी थिंग है। कई जगह पे मसाले में भी है, हम इधर दवाई बनता है, खांसी एलर्जी के लिए अच्छा रहता है। कुमिर नाम का एक पौधा है, कुमिर नाम बोलता है, मोटापा कम करने के लिए। कुमिर नाम, कुमिर, हाँ कुमिर। कॉमनली इसका रूट अच्छा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाए। मेटाबॉलिज्म बढ़ने में अनवांटेड फैट डिपोजिशन बर्न होता है। इधर दो तीन पिक्चर ये भी देखिएगा, जायफल पकने में ऐसे खुलता है, देखिए लाल कलर जावित्री, उसके अंदर जायफल, ऊपर वाला वैनिला बीन और उससे ऊपर वाला काली मिर्च और आगे राइपर्ड कॉफी बीन, देन नीचे राइपर्ड कोको, देन फ्लोर। गार्डन देखने के बाद हमने शॉप विजिट किया। गुड क्वालिटी स्पाइसेस, हर्बल मेडिसिन्स और हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। ऑल द मसालास, नॉट ऑल द, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैरायटीज। फर्स्ट क्वालिटी लाइक ही। मैं टेस्ट अब इसी में एक ले लो, अपना नाक से ऐसे दबा दो, एक ले लो, फिर ऐसे दबा दो, तेल निकलेगा, ये लगता है ना, क्वालिटी है। हाँ वही है, फर्स्ट क्वालिटी से दबाने में तेल होना चाहिए, फर्स्ट क्वालिटी ऐसा ही रहता है। ठीक है, बेल पेपर ये भी क्वालिटी बेस अच्छा है, एकदम तीखा रहता है। जायफल जायफल के ऊपर का जो छिलका जैसा होता है ना, जावत्री। और ये है ना बादिया पाउडर, चक्री फूल, स्टार एनिस जो बोलते हैं ना, वो ये पाउडर में मिलता है ना, कौन सा हींग, हींग मिलेगा। दैट वन इज व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, प्योर कॉफी, प्योर वन विदाउट चिकोरी, स्मेल करके देखिए। दिस वन कोको पाउडर, जस्ट स्मेल अवर सांबर, होममेड सांबर मसाला। तो हमने गार्डन देख लिया और स्पाइसेस का पैकेट ले लिया, वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस है, ये 300 रुपीस का आता है। और इलायची भी ले लिया पर 100 ग्राम्स इट्स 290। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गार्डन में हमने और बहुत सारे प्लांट्स देखा, लेकिन वीडियो में सारे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर हम आगे बढ़े। अगर आप लोग मॉनसून में मुन्नार विजिट करते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू हैव एन अम्ब्रेला और ए रेनकोट। तो अभी हम लोग एक आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में आए हैं। ये है एंजल्स आयुर स्पा जो मन्नार की अनाचल एरिया में है। केरला के आयुर्वेदिक मसाज बहुत ही फेमस है, तो केरला आ गए तो हमने सोचा कि इसका एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं। हमने जब विजिट किया तब ओनम सेलिब्रेशंस चल रहा था, इसलिए आप लोग ये फ्लावर डेकोरेशन देख सकते। okay,
उन्होंने हमें अलग अलग टाइप के मसाजेस और उसके बेनिफिट्स के बारे में समझाया। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड नीड। हमने मसाजेस के लिए बुक कर लिया है, 6:30 PM को आना पड़ेगा। तो द कॉस्ट इज 6,500 rupees फॉर टू ऑफ अस। इट्स ए कपल कॉम्बो पैक। सो नाउ वी विल हेड टू आवर होटल। करीब 1 बज चुका था और हमें भूख भी लग रही थी, इसलिए होटल पहुंचने से पहले हम लोग लंच करने को रुके। सो हम लोग ये अनाचल एरिया में रुके हैं लंच करने के लिए। कसेंद्रा रेस्टोरेंट है ये। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे बम्बू बिरयानी मिलता है, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। ये रेस्टोरेंट रोड साइड में ही है, तो हम लोग सधिया और बम्बू बिरयानी ट्राई करेंगे अभी। सधिया केरला के ट्रेडिशनल मील है। ये मील बनाना लीफ में सर्व करते हैं। सधिया डिश में सारे आइटम्स एक सीक्वेंस में दिया जाता है। सॉल्ट बनाना पापड़। अगर आप लोग केरला विजिट करते हैं तो सधिया जरूर ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत पसंद आया। सधिया डिश में सारे वेज आइटम्स होते हैं। अदरक का अचार, केरला राइस, नेयम पड़िप्पम जो दाल से बनाते हैं, घी, सांबर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये है बम्बू बिरयानी जो बैम्बू में बनाया गया है। He loved the taste और मैंने भी थोड़ा टेस्ट कर लिया। केरला सीरीज के एपिसोड 1 में भी आप लोग देख सकते हैं मैंने सधिया ट्राई किया था। ट्राई इट एंड थैंक मी लेटर। सधिया डिश में पायसम, बनाना और पापड़ मिक्स करके खाया जाता है। इट टेस्ट्स डिलीशियस। तो हमने लंच कर लिया, टेस्टी वाला लंच, और अभी हम लोग होटल की तरफ जाएंगे। Stay with us. हम लोग होटल की तरफ आगे बढ़े। So let me show you our room. That's the balcony view of our room. And here is the room. इस रूम का पर नाइट कॉस्ट है 2500 rupees। The balcony view was awesome. इस होटल का कंप्लीट वीडियो विथ डिटेल्स मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। It's 3 PM now. हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 6:30 को हमारा आयुर्वेदिक मसाज है जो हमने बुक कर लिया था रस्ते में, आप लोगों को जो दिखाया था मैंने। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मसाज करने चलते हैं। और हाँ, रस्ते में अभी जब जाएंगे तो रस्ते में कल के लिए जीप सफारी का बुकिंग भी कर लेंगे। सो आई हैड सम स्लीप एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आयुर्वेदिक मसाज। सो इट हैज स्टार्टेड रेनिंग अगेन। द व्यू एंड द वेदर, ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो इट्स 5 PM, हम लोग मसाज करने जा रहे हैं अभी। हमारे पास 1 घंटा था इसलिए थोड़ा शॉपिंग कर लिया। ये शॉप अनाचल एरिया में है, यहाँ पे हैंडलूम आइटम्स मिलते हैं। एंट्री करते ही यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंडलूम वर्क्स देख सकते हैं। यहाँ पे हैंडलूम साड़ीज के कलेक्शन बहुत ही पसंद आया मुझे। केरला ट्रेडिशनल साड़ीज के बहुत सारे कलेक्शन है यहाँ पे। मैंने भी केरला ट्रेडिशनल साड़ी खरीद लिया एंड वोर इट ड्यूरिंग माई विजिट टू श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन त्रिवेंद्रम। मैंने साड़ी की शॉपिंग कर ली। सो
तो यहाँ से चलते हैं अभी। तो हम लोग आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में आ गए, तो अभी मसाज ले लेते हैं, उसके बाद रिव्यू में दे दूंगी आप लोगों को। आयुर्वेदिक मसाज के लिए ये सेटअप है। यहाँ पे हर्बल ऑयल रख के आपके फॉरहेड में ड्रॉपलेट्स में दिया जाता है। इससे भी मसाज करते हैं। ये सेटअप स्टीम बैथ के लिए है। So we have completed our Ayurvedic massage. So they have put some oil, so they have wrapped it up. I have to wash it after 1 hour. How is your experience? Well, it was quite relaxing. I find it so refreshing and relaxing. मसाज में ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगे और उसके बाद हम लोग डिनर करने पहुंचे। ब्यूटिफुल फ्लावर डेकोरेशन फॉर ओनम सेलिब्रेशन। हैप्पी ओनम। प्रॉन्स मसाला, कैरेमिन पॉलीचट्टू, केरला परोटा। कैरेमिन पॉलीचट्टू डिश में पहले कैरेमिन फिश को फ्राई किया जाता है, उसके बाद मसाला डाल के वो बनाना लीफ से रैप करके रोस्ट किया जाता है। टेस्ट इज जस्ट ऑसम। प्रॉन्स मसाला एंड केरला परोटा। वेरी टेस्टी। एनीवे आई लव प्रॉन्स। मतलब देखने से ही अच्छा लग जाता है ये। केरला में आके ये जो फिश ट्राई किया है मुझे बहुत बहुत पसंद आया। सो हाउ इज द टेस्ट? बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रॉम ही इज टेस्टिंग इट विद चावल। आई हैव टू वॉश माय हेयर, इट्स ऑल ऑयली बिकॉज ऑफ द ऑयल मसाज। सो हम लोग होटल पहुंच गए हैं, डिनर कर लिया, बाहर डिनर कर लिया। तो आज हम 8 बजे कोची से निकले, उसके बाद मुन्नर के रास्ते में जो वाटरफॉल्स है वो देख लिया, और रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, बहुत सीनिक व्यू था। तो रास्ते में ब्रेकफास्ट लंच कर लिया, और उसके बाद हमने आयुर्वेदिक मसाज के लिए बुकिंग भी कर लिया था। और रूम पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद जाके हमने साड़ी खरीदा। तो साड़ी खरीदने के बाद हम लोग आयुर्वेदिक मसाज कराने गए, तो आयुर्वेदिक मसाज करा लिया। बहुत बहुत ही रिलैक्सिंग था, मैंने बताया अपने वीडियो में, बहुत ही अच्छा था। तो आप लोग अगर मुमन्नर आए तो मेरे हिसाब से तो आपको ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। ये एक पूरा मतलब नया एक्सपीरियंस था, सिंपली ऑयल मसाज ही नहीं, वो जो मतलब ऑयल, आई डोंट नो द नेम, पर ऑयल ड्रॉपलेट्स आपके फोरहेड में दिया जाता है, तो बहुत बहुत रिलैक्सिंग होता है। फिर वो लोग एक पोटली बोलते हैं, लाइक दे पुट सम हर्ब्स इन अ क्लोथ, दे टाई इट, इट्स लाइक ए पोटली, एंड विद दैट दे विल लाइक मसाज योर बॉडी। Then we have like a whole body massage, and after that we have a steam bath. So it was like, as a summary I can say, it was very very relaxing. So you should definitely try it when you are in Munnar. So आज के लिए हम यही पे खत्म करते हैं। तो कल हम लोग सुबह जीप सफारी को निकलेंगे, तो कल मिलते हैं। बाय बाय।
So we are on a 10-day trip to Kerala, and by the time you are watching this video, I might have uploaded all the videos of Kerala. So you can watch the videos on my channel, Sharing Bliss.